नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून यानी कि मंगलवार को बीजेपी के बूथ समिति सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आ रहे हैं। पीएम के इस दौरे से एक दिन पहले सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल पहुंचे हैं, जिन्होंने देश भर की सभी लोकसभा सीटों से चयनित बूथ कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उन्हें ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद कल प्रधानमंत्री इन 3,000 कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने की प्लानिंग के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। ट्रेनिंग के बाद कार्यकर्ताओं को अगले 7 दिन के लिए उन राज्यों में भेजा जाएगा जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इन कार्यकर्ताओं को अल्पकालीन विस्तारक का नाम दिया है। भोपाल में ट्रेंड होकर बूथ मैनेजमेंट के मास्टर ट्रेनर दूसरे राज्य के सभी मंडलों में बूथ समितियों के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करेंगे और 7 दिन में प्रशिक्षण का काम पूरा कर 4 जुलाई को बूथ समितियों का सम्मेलन होगा। ये सभी मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग के दौरान बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे कि बूथ पर कौन से काम करने से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा और वोटर्स को किस तरह बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरह से उत्साहित है तो वहीं विपक्ष पीएम के दौरे पर निशाना साध रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है ये सुनते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव और सौभाग्य का दिन है कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में देश भर के 10 लाख कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, उन्हें संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 3,000 कार्यकर्ता देश भर के सभी राज्यों के और देश भर की सभी लोकसभाओं से चयनित प्रतिनिधि, सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की है कि लोग सभी राज्यों के लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा अभियान है जहां पर पूरे भारत के सभी लोकसभाओं के 543 लोकसभा के डेलीगेट्स चयनित यहां पर उपस्थित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद करेंगे और देश के अन्य बूथों पर भी, अन्य राज्यों में भी माननीय प्रधानमंत्री बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे जिन्होंने बूथ सशक्तिकरण के अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता जिन्होंने भारत के मान को विश्व में बढ़ाया है वो भोपाल भी आ रहे हैं। सुरक्षा की पूरी चिंता की गई है, लगभग 40 आईपीएस इन कार्यक्रमों में लगाए गए हैं, एडिशनल एसपी डीएसपी के लगभग 100 लोग इस व्यवस्था में लगे हैं और 8,000 जवान के लगभग बाहर से मंगा करके इस व्यवस्था में लगाए गए। अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह की जो नाव है सत्ता की वो डूब गई है। अब उस नाव में पैबंद लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को ला रहे हैं और क्या एक घर में कांसे की थाली में खाना खिलाकर आदिवासी भाइयों को गुमराह करेंगे। लगातार 30,000 पद एक लोग के हमारे आदिवासी भाइयों के खाली पड़े, उनको भरा नहीं है 18 साल में। आदिवासी छात्रों की दुर्दशा और छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देना, उनको ड्रेस नहीं देना और पूरा पैसा अन्य कारणों में खर्च करके भाई भाई लूटने से आदिवासी भाई बातों में नहीं आने वाले और पूरी तैयार बैठे हुए हैं। केवल खाना घर खा के घर में आने से आदिवासी भाई उनके लालच में आने वाले नहीं है। और
और हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीलाब शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। गीत जी, जो बात कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी आएंगे तो यहाँ पर उनको भ्रष्टाचार को भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि कैसी अव्यवस्था है, तो क्या इतनी अव्यवस्था है जो कांग्रेस बता रही है आप लोगों को? जी, पढ़ते कम है। हाँ। इनको जो है थोड़ा ज्ञान कम रहता है, और निश्चित रूप से जो इनके नेता कह रहे थे उसी बात का ये प्रमाणित उदाहरण दे रहे थे। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मॉडर्न स्ट्रीट की जो रिपोर्ट आई है आज, उसमें मजबूत अर्थव्यवस्था की बात की गई है भारत के लिए, और ये अर्थव्यवस्था कैसी मजबूत है मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका की जो विकास दर है आज के दौर में, जो आज चल रही है, वो 7.9% जो है वो है, और जबकि भारत की 8.10% आगे चल रही है अमेरिका से। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी विश्व प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के मित्र जो है, मैंने आपको बताया ना, कम जो है पढ़े लिखे हैं या कम पढ़ते लिखते हैं, इस तरीके से कह लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं अभी भी। अब देखिए, मैं एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। पिछले 9 सालों में, जो 9 साल सेवा के माननीय प्रधानमंत्री जी के हम देख रहे हैं, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं, पूरा विश्व मान रहा है, इसमें अति गरीबी जो है वो केवल 1% से घट के उससे भी कम रह गई है हिंदुस्तान की। अब ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो इन लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि इन लोगों को तो अपना ही अलग जो है अलापना है, जिसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार और झूठ भरा हुआ है, ये है कांग्रेस की बात। अब देखिए, यहाँ पर जब बात की जाती है देश की आगे बढ़ने की और देश के विकास की, तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसका विकास नहीं हुआ हो। चाहे हम सड़कों की बात कर लें, चाहे हम रोजगारी मिटाने की बात कर लें, चाहे हम विकास की बात कर लें, लेकिन देखिए यहाँ पर जो सरकार की योजना है वो हर वर्ग के लिए लेके आए, तो ये कांग्रेस को नहीं दिखता। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, बताएं साहब, इनके समय में और हमारे समय में भ्रष्टाचार की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अभी तो ऐसा कोई इनके पास में अगर उदाहरण हो जिसको ये बता पाए, जिसको सामने रख पाए, तो बहुत अच्छी बात है उदाहरण के रूप में कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला आया है। निश्चित रूप से हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता है उनको भी इसी बातों से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कांग्रेस जो है अनर्गल बातें कर रही है, भ्रष्टाचार की बातें जो बता रहे हैं, क्या कोई मुद्दे नहीं है विकास के? केवल और केवल उसी चीजों पे जो कि सच्चाई है ही नहीं, जो कि वास्तव में है ही नहीं, सब काल्पनिक, केवल और केवल सब काल्पनिक है। नीलाब जी, आप लोग ये कैसे मुद्दे बना रहे हैं? इसका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लगभग गीत जी की बात तो यही कह रही है। अब गीत जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने कहा पढ़े लिखे नहीं, श्रीमान डिग्रियां आपके पास नहीं है, हमारे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, तो डिग्रियां तो आप नाम बोलोगे व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन डिग्रियों के पते आते आपके नहीं है, तो पढ़े लिखे की बात तो हमसे कीजिए ही मत। मैं तो कौन पढ़ा लिखा है तो दुनिया जान रही है, मतलब डिग्रियां दिखा चुके होते अभी तक। रहा सवाल, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि विकास हुआ है, हर क्षेत्र विकास, हमने बोल रहा हूँ हर क्षेत्र पे विनाश हुआ है, क्या कर दिया ऐसा? अब ये आपने अब जिस विषय पर हम बातें करा, क्या होता है कि इनके भाजपा के, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से डिबेट में जाता हूँ, इनको जैसे नए नए भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, जैसे पोएम से ट्विंकल ट्विंकल इटली स्टार, मछली जल की रानी, ये जैसे पोएम शरीर की चीजें पा के मिटा दिया जाता है डिबेट में। ये रटे रटाए संवाद हर भाजपा का प्रवक्ता मैं देखता हूँ, रटे रटाए संवाद जिसका ना कोई अर्थ होता है ना कोई तथ्य होता है, बोले जाते हैं तो शेरों का पेड़ होता है। इन्हें यही नहीं बताया क्या बोल रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार के सबूत दिखाई, अरे श्रीमान 127 से 128 लंबी फेरियत से महाकाल लोक का भ्रष्टाचार सामने भी हालिया हुआ है, और कितने चीजें बताया, आयुष्मान योजना में घोटाला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में घोटाला, अरे बीजेपी कह रही है कि अमेरिका और बड़े बड़े देश प्रधानमंत्री की साख को मानते हैं और विपक्ष उन्हें नजरअंदाज करता है। प्रधानमंत्री की साख, प्रधानमंत्री को लेने तक नहीं जा रहा, एयरपोर्ट का स्थिति है, अधिकारी लोग जा रहे हैं, पहले नेहरू जी जाते थे, इंदिरा जी जाती, राजीव जी जाते, प्रधानमंत्री छाता लेके साथ में खड़े विदेश के, या तो इश्यू करने तक नहीं जा रहे। कहां के साथ और किसका क्या? आपका सोशल मीडिया की जो टीम है वो चालू हो जाती है वाहवाही करना, अपनी पीठ थपथपाना, कहां साख हो रही है आपकी? विश्व पटल पे नाम खराब कर दिया देश का। हम तो चाहते कि मोदी जी आए, नड्डा जी आए, वो खूब प्रचार करे, क्या हो रहा है कि हम चाहते क्या होगा कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक इनको लेकर असंतोष है, एक अलग वातावरण बना हुआ है, तो
क्या हुआ करेला और नीम चावा, अगर ये आज प्रचार प्रसार करेंगे बूथ मैनेजमेंट करेगा हमें तो उससे फायदा होगा। सबसे ज्यादा तो ये हमें तो उसका फायदा है, तो आप तो लाइए। इसे कर्नाटक में ले गए थे सब नेता, उधर क्या हाल हुआ कर्नाटक का, बुरी और अच्छी खासी हार हुई, वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। आप तो कितना ही बूथ मैनेजमेंट कर लो, कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे दो, क्या जनता को अपने पक्ष में वोट डलवा दो अंदर जाके? वोट तो जनता अपनी मर्जी से देगी ना। जनता से प्यास वोट मांगने का एक ही मंत्र है, वो आपके द्वारा किए गए काम। दर्जनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी, भाजपा की योजनाएं होती साबित हुई, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आयुष्मान योजना में लंबी फेरी उसकी मैं बात ही करना ही चाहूंगा, विकास यात्रा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके बाद आपकी आंतरिक फुटबॉल वो सामने क्या बूथ मैनेजमेंट को, पहले पार्टी का मैनेजमेंट तो कर लो। नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा रोज पदाधिकारी भाग भाग के कांग्रेस में आ रहे हैं, आप सिरफटा सड़कों पर आ रही। ठीक है, पूछते हैं गीत जी के पास क्या कुछ जवाब है आपके इन सवालों को लेकर, पूछ लेते हैं गीत जी प्लीज। देखिए विवेक जी, मैंने नीलाभ भाई को भी ये बताई था और मैंने कहा ही था कि कांग्रेस के मित्र जो हैं कम पढ़ते लिखते हैं, मैंने मॉडर्न स्टेट का इसलिए उदाहरण भी दिया, शायद इनको उसके बारे में नहीं जानकारी होगी। लेकिन साहब मैं आंकड़ों की फिर से बात कर रहा हूँ, आप तो रटा रटा डायलॉग तो आप बोल रहे हैं, मैं आंकड़े फिर से आपको बताता हूँ, नए आंकड़े बताता हूँ पिछले 9 साल की, फिर क्योंकि 9 साल सेवा के हम मना रहे हैं, इसकी 9 साल की मैं बात फिर से करता हूँ। 9 साल में ये जो नीलाभ जी थोड़ा सा संयम रखिए, नीलाभ जी ठीक है, शुक्ला जी आप थोड़ा संयम रखिए, बोलिए। देखिए हम बात कर रहे हैं, हम गरीबी की फिर से बात करते हैं, इसको नए तरीके से आपको समझाता हूँ। पिछले 9 सालों में 22% जो गरीबी थी वो कम होके केवल 10% रह गई है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है, आपके कमलनाथ जी को जानकारी है, अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो। मैं मॉडर्न स्ट्रीट का हवाला दे रहा हूँ आपको दोबारा से, आप ये जो है 9 साल की आप जो बातें बता रहे हैं साहब, ये जो आपने महाकाल लोक और इसकी सब बातें बताई, इसमें तो आपकी पार्टी ने एक, मैं एक और विवेक जी बात रखना चाहूंगा, 2016 में जो सीएस हुआ था उसके ऊपर भी कांग्रेस ने बड़ा ही शोर किया था कि साहब यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जांच चल रही थी। जब इनकी सरकार आई थी 15 महीने की, तो जांच की रिपोर्ट आई और इसमें इनके मंत्री थे जयवर्धन सिंह जो सुपुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के, उन्होंने विधानसभा में जाके बोला था नहीं साहब महाकाल लोक में उज्जैन में सीएस में कोई घोटाला नहीं हुआ। एक बार की बात नहीं, अनेकों बार की बात है, अभी जांच करवाई इन्होंने महाकाल लोक की, वहां पर एफआरसी की जो मूर्तियां थी जिसका 2 बार इंस्टॉलमेंट कांग्रेस सरकार में 15 महीने में दिया गया, उसमें भी जांच यही कहती है। तो अपने नेताओं को झूठ ठहराते हैं नीलाभ भाई आप लोगों को, तो थोड़ी सी अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए और जो सच है वो जनता के सामने लाना चाहिए। अगर कहीं गलती है तो बताइए ना, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ विकास की, सब विकास हो रहा है। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कोई लेने नहीं गया, अमेरिका के बड़े से बड़े अधिकारी मुख्य वहां के राष्ट्रपति और ये तो सब सही सबने देखा, मिस्र की बात करें वो सबने देखा। तो आप लोग क्या हवा में झूठ फैला रहे हैं या अपने आप को झूठा ठहरा रहे हैं, आप बताइए। जिस बात का अस्तित्व ही नहीं है उस बात को आप जो है पश्चिम लहराने की बात कर रहे हैं उसकी, तो थोड़ी सी समझदारी और थोड़े से आंकड़े जो कि असलियत में हो उसको लेके आइए और बात करिए। देखिए देश का विकास हुआ है, हम जो बात कर रहे हैं वो मैं आंकड़ों पे कर रहा हूँ, आपके पास अगर कोई आंकड़ा है तो दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ साहब। बुफोर्स से लेकर के नेशनल हेरल्ड से लेकर के जो घोटाले हैं, कांग्रेस ने तो इतिहास रच दिया था। कांग्रेस की महारत जो है वो केवल और केवल एक ही चीज में हासिल है, चाहे 1984 के सिख दंगे की बात कर लीजिए जिसमें 3,000 से अधिक सिख बने थे मरे थे, मैं स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ और जिम्मेदार कौन था, एक भी नहीं, ये था साहब आपकी जांच में। तो ये अंधकार वाली जो बात है ये तो कांग्रेस ने करके रखी है। और मैं फिर एक और बात बताता हूँ, देश जब से आजाद हुआ था, आप 1948 की बात करते हैं, सेना के लिए जो जीपे खरीदी थी ना साहब उसमें घोटाला था 30 करोड़ रुपए का तभी। फिर उसके बाद में हीरो की खान, ये 1956 की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, इसमें 60 लाख रुपए का घोटाला था। तो ऐसे घोटाले जो है ये मेरे पास लंबी फहरिस्त है और ये फहरिस्त ये है साहब, मैं जनता को भी दिखाना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है। हाँ। तो क्या बोलेंगे साहब आपके राजीव गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक के समय में कोई योजना आप जो लेके आए, जनता के विकास आपने किए हो, कहीं आंकड़े ऐसे बताते हो कि विकास हुआ है,
तो बताइए कि साहब गरीबी कम हुई है, उज्ज्वला योजना तो आप लेके आए थे, क्यों नहीं सिलेंडर बांट पाए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था आपकी नीयत में। राहुल गांधी वैसे प्रधानमंत्री नहीं बने, आपने उनका भी कार्यकाल बताया। मैं इनके इनके समय की बात बता रहा हूं कि इनके समय की कोशिश करता हूं। जब मनमोहन सिंह जी थे तो राहुल गांधी इनके विद्यमान नेता थे। नहीं तो हो सकता है, देखिए इनके पास डिग्रियां नहीं है और बहस करने आ जाते हैं। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग मत कीजिए प्लीज प्लीज, चर्चा का समय बहुत कम रहता है हमारे पास। पार्टी की बात कर रहा हूँ, इनके व्यक्तिगत ठीक है, हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे, सार्थक टिप्पणी ही करें। नीलाब जी आपकी बारी है, आप अपना जवाब दीजिए। देखिए मेरी बात सुने, आईआईटी कौन लेकर आया? मोदी जी। योजना आयोग किसने बनाया? मोदी जी। एम्स किसने बनाया? मोदी जी ने। सेल किसने बनाया? मोदी जी ने। बीआरसी किसने बनाई? मोदी जी ने। भिलाई स्टील प्लांट किसने बनाया? मोदी जी ने। ओएनजीसी किसने बनाई? मोदी जी ने। डीआरडीओ किसने बनाया? मोदी जी ने। आईआईएम किसने बनाया? मोदी जी ने। इसरो किसने बनाया? मोदी जी ने। डीएचईएल भेल किसने बनाया? मोदी जी ने। भाखड़ा जंगल किसने बनाया? मोदी जी ने। अभी पूरे देश में एयरपोर्ट किसने बनाया? मोदी जी ने। पूरे देश में पुल किसने बनाया? मोदी जी ने। पूरे देश में सड़कों का जाल किसने बिछाया? मोदी जी ने। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। जिस अस्पताल में तुम और हम पैदा हुए हैं वो क्या मोदी जी ने बनाया? जिस स्कूल में आप और मैं पढ़े हैं वो क्या मोदी जी ने बनाया? जिस विश्वविद्यालय में आप और मैंने शिक्षा ली वो क्या मोदी जी ने बनाया? जिस सरकारी अस्पताल में आपके माता पिता और मेरे माता पिता ने नौकरी करी और आज पेंशन पा रहे हैं वो क्या मोदी जी ने बनाया? देश के पुरुषार्थ को आप अपमानित कर रहे हैं। तो गीत जी शुक्ला जी ने तो पूरी पूरी एक तरह से मैं कहूंगा पोएट्री सुना दी हमें, तो मतलब हमारे दर्शकों को। जी विवेक जी मैं उत्तर देता हूं, ये युद्ध के समय पे कितने साथ खोले थे, तो ये झूठ जो है आप क्यों खोल रहे थे? बोफोर्स घोटाला आपका कैसे कोई भूल सकता है साहब? ये 2014 तक एक सेकंड सर, मैं आपके समय में सुनता हूँ नीलाब जी, ये अनपढ़ों वाली बात हम क्यों करें? हम तो पढ़ा लिखे लोग हैं, मैं आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति मान रहा हूँ साहब, अपने समय पे बोलिए ना। अच्छा कांग्रेस के साथ में बड़ी दिक्कत है एक विवेक जी, कांग्रेस के साथ में कभी हाथ भी अगर कोई मिलाने जाता है ना तो उसको बाद में अपनी उंगलियां देखनी पड़ती है, उंगली तो गायब नहीं होगा। ये है कांग्रेस की हकीकत। नीलाब जी किसी के सुनी बातों में आ रहे हैं, नीलाब जी आप अपने समय में क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो आपके इस्तेमाल कीजिए, मैं ये चाहता हूँ। दीदी से लेकर के दामाद तक के जहाँ पर सब जो है बेल पर चल रहे हैं वो कैसे काम करेंगे? इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं, मैं तो एक एक का प्रमाण दिखा रहा हूँ, एक एक का प्रमाण दिखा रहा हूँ। देखिए ये नीलाब जी आप देख रहे हैं कि नहीं, आप सुन भी रहे हैं कि नहीं? नीलाब जी ये तो मैं तो प्रमाण दिखा रहा हूँ ना, आपके नेता जो है महिला अत्याचार में नंबर वन, आपके स्वयं के नेता वहां पर आपकी नेत्री जो प्रियंका गांधी जी हैं वो भाग जाती हैं, लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका जी वहां पर क्यों कुछ नहीं बोलती? जब आपके आर रमेश जी ठीक है भाषण देते हैं कर्नाटका में, आप अपनी बात रखिए 30 सेकंड जी। देखिए मेरे भाजपा के मित्र से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुद्दों की बातें हम करें, आप पुराने बातें कर रहे हैं, वो जमाने जो की तथ्यहीन आधार ही नहीं है जो सब तक अरे वाह आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब आपने 1984 के फ्रॉड को बढ़ा दिया। उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, उनकी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनो। आप चुनाव के इन मुद्दों पर लड़िए, मेरी आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़िए मुझे बताएं, आपका क्या मुद्दे चुनाव के? विकास की बात आप कर सकते हैं तो विकास बताइए, मैं तो इतनी लंबी फेरिस्त तक विकास बता तो रहा हूं मैं आपको, आप दो चार चीजें गिरा दीजिए, सिवा आपने देश की स्वायत्त संस्थाओं को बेचने के अलावा आपने उद्योगपति को बेचने के अलावा कैसी बात कर रहे हैं? आपको आपको निर्मलान आप कांग्रेस में मैंने मान लिया लेकिन आप पाकिस्तान में तो नहीं रहते हैं, देश बिक रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिना सर पैर की बात कर रहे हैं नीलाब जी, आपत्तिजनक बात। अरे चर्चा का समय हमारा खत्म हो चुका है, इतनी शर्म नहीं आ रही कि आप जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, शुक्रिया। तो हमारी चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी के भोपाल आने से बीजेपी के पक्ष में कोई माहौल बनेगा? कांग्रेस इस बात को भले ही नजरअंदाज कर रही है लेकिन बीजेपी जानती है कि पीएम मोदी के चेहरे का जितना लाभ इस चुनावी साल में लिया जा सकता है उसको जरूर लिया जाए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।